अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, हम एक नए ब्लॉग के साथ आपके लिए हाजिर हैं और आए हैं आज नौशंदी जुमेरात है कि छोचा शरीफ में हमारी हाजिरी हो रही है और हम आपकी भी हाजिरी करवाते हैं। बने रहे हमारे साथ, इंशाल्लाह उल अजीज पूरी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। बसखारी वाला रोड छोड़ करके हम लोग अंदर दाखिल हो चुके हैं और दाखिल होते ही इतनी गर्दी, इतना ट्रैफिक है जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी ट्रैफिक में इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये तो खैर कि हम लोग दो पहिए से हैं, वरना इसी ट्रैफिक में हम लोग बच जाते और निकल नहीं पाते। जैसा कि देख सकते हैं, आज नौचंदी जुमेरात है और कि छोचा शरीफ में हमारी हाजिरी हो रही है और साथ में आपकी हाजिरी भी हम करवा रहे हैं। तो इतनी गर्दी हो रही है, देख सकते हैं कि जहाँ तक हमारी निगाह जाती है कि अमेरिकी, वहाँ तक सिर्फ़ और सिर्फ उशाकान मखदूम अशरफ की भीड़ लगी हुई है। जैसा कि देख सकते हैं आप हजरात, बने रहे हमारे साथ, हम दरगाह शरीफ पे पहुंचकर आपसे मुलाकात करते हैं। तो ये हाशमी मियाँ का मदरसा था, जो मस्जिद आपने देखा, ये बड़ी मीनार वाली। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते ये हम लोग जो है स्टैंड जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ पर पहुँचे, ये भी पार कर जाएंगे। तो आज हम लोगों ने इरादा किया है कि आज हम मेन रास्ते यानी सलामी गेट के अंदर से दाखिल होकर नहीं जाएँगे। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये अंदर इधर मुड़ने के बाद सलामी गेट की तरफ चले जाएंगे, लेकिन आज हम ये रास्ता नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत भीड़ है अंदर। इसी वजह से हमने जो पीछे का रास्ता है उसको अख्तियार किया है और उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो चलते चलते हम लोग जो है कि छोचा शरीफ के पीछे जो जामिया अशरफ है वो पीछे वाले गेट से हम लोग दाखिल होंगे, तो उस रास्ते पर आ गए हैं। जैसा कि आप ख़ुद मुलाहजा कर सकते हैं कि यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ सामने वाले रास्ते से थी, क्योंकि हमें आपको ज़ियारत करवाना है और जल्दी जाना है। इसी वजह से हमने इस रास्ते को अख्तियार किया कि हम जल्दी पहुँच कर आपको नौचंदी जुमेरात वाली की छोचा शरीफ की वीडियो हम आप तक जल्द अज जल्द पहुँचा सकें। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और ज़ायरीन रहते हैं। ये सब पार करके ये देखिए जामिया अशरफ का पीछे वाला गेट है, इसको पार करके हम जो है जामिया सूफिया यहाँ से दिखाई देता है। तो यहीं पर हमारी गाड़ी खड़ी होगी और यहीं पर हम गाड़ी खड़ी करके तब हम छोचा शरीफ के अंदर जाएंगे। हम लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं और दूसरी रास्ते से आए हैं इस बार हम लोग, क्योंकि बहुत गर्दी है। विलायत के चमन की ताजगी मखदूमे सिमना है, विलायत के चमन की ताजगी मखदूमे सिमना है, दयारे हिंद में फैज़े अली मखदूमे सिमना है। अबद तक जिस महकेंगे महीने साल और सदियाँ, अबद तक जिस महकेंगे महीने साल और सदियाँ, मदीने के चमन की वो, मदीने के चमन की वो कली मखदूमे सिमना है, मदीने के चमन की वो कली मखदूमे सिमना है। सजे हैं जिस नसब में आयते तत्हीर के तारे,
نصب میں آیت تطہیر کے تارے بحمد اللہ وہ پاکیزگی مخدوم سمنا ہے بحمد اللہ وہ پاکیزگی مخدوم سمنا ہے کیا کرتے تھے جن کے نانا کی جبریل دربانی کیا کرتے تھے جن کے نانا کی جبریل دربانی کیا کرتے تھے جن کے نانا کی جبریل دربانی کی چھو چھا میں وہی سبت نبی مخدوم سمنا ہے بسے ہے شخصیت میں سیرت صدیق کے جوہر بسے ہیں شخصیت میں سیرت صدیق کے جوہر بسے ہیں شخصیت میں سیرت صدیق کے جوہر حیا میں عکس عثمان غنی مخدوم سمنا ہے حیا میں عکس عثمان غنی مخدوم سمنا ہے اور یہ شعر خصوصیت کے ساتھ مراجعہ فرما لیں دلوں پر تاجداری کا ہنر بخشا ہے خواجان نے دلوں پر تاجداری کا ہنر بخشا ہے خواجان نے دلوں پر تاجداری کا ہنر بخشا ہے خواجان نے جہاں میں افتخار خسروی مخدوم سمنا ہے اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرما لیں نہ چھوڑیں گے کبھی ان کی محبت کے سفینے کو نہ چھوڑیں گے کبھی ان کی محبت کے سفینے کو نہ چھوڑیں گے کبھی ان کی محبت کے سفینے کو ہمیں تو مظہر نوح ہے نجی مخدوم سمنا ہے اور یہ شعر محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں وہ علامہ وہ غوث وقت وہ مفتی محدث بھی گلِ علم و ہنر کی دلکشی مخدوم سمنا ہے وہ ذات پاک تو
مجموع جملہ سلاسل ہے وہ ذات پاک تو مجموع جملہ سلاسل ہے وہ ذات پاک تو مجموع مجموعِ جملہ سلاسل ہے کبیری نقش بندی قادری مخدوم سمنا ہے کبیری نقش بندی قادری مخدوم سمنا ہے اور اخیر شعر ملاحظہ فرما لیں پکارا جائے گا محشر میں ہم کو اشرفی کہہ کر پکارا جائے گا محشر میں ہم کو اشرفی کہہ کر پکارا جائے گا محشر میں ہم کو اشرفی کہہ کر زہِ قسمت امام اشرفی مخدوم سمنا ہے مقتدا دیکھ لیں کمالات فریدی کیوں نہ چمکے شیر کے اندر کمالات فریدی کیوں نہ چمکے شیر کے اندر کمالات فریدی کیوں نہ چمکے شیر کے اندر کہ ذہن و فکر کی تابندگی مخدوم سمنا ہے دیار ہند میں فیض علی مخدوم سمنا الحمدللہ ہم لوگوں نے فاتحہ پڑھ لیا اور واپس ہو رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو ہم نے نظارہ کروایا اندر کا اور باہر کا اور نیر شریف پر اتنی بھیڑ ہے جتنی آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی یا دیکھی ہوگی آپ نے لیکن جب یہ نوچندی جمعرات اور پانچ محرم کا یہ حال ہے تو ذرا سوچئے دس محرم کو کیا ہوگا جب دس محرم کی یہ بھیڑ ہے تب سوچئے آپ کا جب عرس ہوتا ہے تو اس وقت کتنی بھیڑ ہوگی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بھیڑ میں چلنا دشوار ہے اور بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ اپنا جیب اپنا پرس اپنا موبائل حفاظت سے رکھیں اور اسے پکڑ کر رکھیں تاکہ کوئی چوری نہ کر پائے اور بار بار یہ بھی اعلان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا پکڑا جائے گا تو اس کو انتظامیہ کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے گا اور اس کا جو ہے جو کچھ بھی کرنا ہوگا وہ انتظامیہ کمیٹی ہی کرے گی تو اب ہم لوگ دیکھیے داخل ہوئے اور باہر بھی آئے اور اوپر کا نظارہ بھی کروایا اندر جو ہے بہت گردی ہے اتنی گردی ہے اتنی گرمی ہو رہی تھی اب کیا بتائیں لیکن سرکار نے جس کو اندر بلا لیا وہ اندر جا رہے ہیں اور فیض حاصل کر رہے ہیں اور
हम लोग फातिहा पढ़कर वापस हुए और ये अंदर मार्केट जो है वो उसका भी नज़ारा हमने आपको करवाया, देख सकते हैं आप। यहाँ पर आते हैं जो ज़ायरीन सामईन, वो कुछ ना कुछ तबरुकात लेकर जाते हैं और याद मखदूम अशरफ अपने सीने में बसाते हैं। तो ये मखदूम अशरफ का नगर है और आने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आप अच्छे से देख लें कि कितनी गर्दी हुई है। और अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ ये हाल है, सिर्फ मज़ार शरीफ और दरगाह शरीफ और इर्द गिर्द की वीडियो इंशाल्लाह उल अजीज़ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फाइनली नाज़रीन इकराम, हमने आपको किशौचा शरीफ की ज़ियारत हमने करवा दी और हम लोग बाहर आ चुके हैं जहां हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। अब हम लोग चल रहे हैं अपने घर और आप अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम रोज़ आना आ करके यहाँ किशौचा शरीफ की रोज़ाना लाइव वीडियो की ज़ियारत करवाते रहेंगे। तो आज नौचंदी जुमेरात थी और मुहर्रम की 5वीं तारीख है, तो 5 तारीख को इतनी भीड़ है तो सोचिए मुहर्रम शरीफ में यानी 28 मुहर्रम को जिस दिन सरकार का उर्स होता है उस दिन कितनी भीड़ होगी। तो अगर आप हजरात उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।